जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान चालीसा। तो राम राम भाई सभी के लिए। तो आज हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाता है, इसके पूजन यंत्र कौन से होते हैं हनुमान जी का। जो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले जो एक मंत्र होता है वो मंत्र कौन सा होता है, कैसे हनुमान चालीसा की विधि, पूजन विधि कैसे करते हैं, क्या होता है, दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आज आपको बताएंगे और हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों हनुमान जी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पूजन यंत्र है वो यह है, हम हनुमते रुद्रालंकार हूं भट्ट। इस मंत्र पूजन यंत्र है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप इस मंत्र का 5 बार जाप अवश्य करें। हम हनुमते रुद्रालंकार हूं भट्ट, फिर प्रभु श्री राम का जाप करें। फिर पूजन विधि, प्रातः काल यानी सुबह को स्नान करके नहाकर लाल वस्त्र को धारण करें। कुश या ऊन के आसन पर बैठकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र या यंत्र को भोज पत्र या ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाकर सामने रखें और सिंदूर, चावल, लाल पुष्प, धूप, दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित कर पूजन करें। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, पुष्प हाथ में लेकर निम्न श्लोक पढ़ें। अतुलित बल धामम हेम सैलाव देहम धनुज बन कृसान ज्ञानी नाम ग्रहगण्यम सकल गुण निधानम बाणावधीशम रघुपति विजय भक्तम बाद जातम नमामि। तत्पश्चात पुष्प अर्पण करके मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात लाल चंदन की माला से हम हनुमते रुद्रालंकार हूं भट्ट मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। इस मंत्र का हम हनुमते रुद्रालंकार हूं भट्ट, दोस्तों 108 बार इस मंत्र का जाप करें, फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक मिल चारी। श्री महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है, मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का हरण कीजिए। जय हनुमान। फिर ये चौपाई शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर। हे केसी नंदन, आपकी जय हो, आपके ज्ञान और गुण की कोई सीमा नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति उजागर है। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन श्री राम दूत, इस संसार में आपके समान दूसरा बलवान कोई और नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंगबली, आप महावीर और महापराक्रमी हैं, आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वरण विराग सुवेशा कानन कुंडल कुचित केसा। आपका रंग कंचन जैसा है, सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे भीकु आतुर। आप अत्यंत चतुर विद्यावान और गुणवान हैं, आप सदा भगवान श्री राम के कार्य करने को आतुर रहते हैं।
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप श्री राम का गुणगान सुनने में आनंद लेते हैं। माता सीता व लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी रंग जरावा। आपने अति सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को दिखाया, तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया, और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुन लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, और श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भ्राता भरत समान प्रिय हो। सहज वदन तुम रो यश गान, अस कही श्रीपति कंठ लगाम। हजारों मुखों से तुम्हारा यशोगान हो, ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय में लगा लिया। सनकादि ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिंसा, श्री सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनक, श्री सनंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। यम कुबेर आदि तथा सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान कोई भी आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मिलन कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परामर्श का भीषण ने अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंकापति बने, यह बात सारा संसार जानता है। जो सहस्र योजन पर भानु ली, ज्योता ही उधर फल जानो। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिला दी गई अत बधनाही। आपने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रख समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। संसार के कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहायता से पूरे हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, भूतना क्या फिर सारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहर तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हुको डरना। आपकी शरण आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। आपके वेग को केवल आप ही सहन कर सकते हैं, आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं उससे दूर ही रहती है। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन कर्म वचन से अपना ध्यान आप में लगाते हैं, उनको सब दुखों से आप मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है, उनके सब कार्यों को आपने ही पूर्ण किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी कृपा का पात्र जीव कोई भी अभिलाषा करे, उसे तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता, वह फल भी उसे मिल जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में विद्यमान है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री रामचंद्र के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों तथा सज्जनों अर्थात धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये केसरी नंदन, माता जानकी ने आपको ऐसा वरदान दिया हुआ है जिसके कारण आप किसी भी भक्त को आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। आठ सिद्धियां नंबर एक अलिमा, इससे साधक
अदृश्य रहता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरा महिमा, इसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरा गरिमा, इससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा लघिमा, इसमें साधक अपने को जितना चाहे हल्का बना लेता है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति, इससे मनवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी सिद्धि पराक्रम, में इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है। सातवीं सिद्धि ईश्वरत्व, इससे सब पर शासन करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। आठवीं सिद्धि वसित्व, इससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। नौ निधियां, पंड महापंड संघ मगर कच्छप मुकुंद कुंद नील खर्व, ये नौ निधियां कही गई हैं। राम रतायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के नाश हेतु राम नाम रूपी रसायन है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपका भजन करने वाले भक्त को श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल अमरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि मृत्यु लोक में जन्मे तो भक्ति करेंगे और श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्रधरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे बलबीर, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गौरी सा। गौरी के पति शंकर भगवान ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इससे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में सदा निवास कीजिए। दोहा, पवन तनय संकट हरम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसम सुर रूप। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्ति वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। ये भैया पंच होगी हनुमान बाबा, इनके आप दर्शन करें। भाई वीडियो अगर अच्छी रही हो तो हाँ, चैनल पर नए हो जुड़े हो तो भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भाई कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें दोस्तों। और हमारी ऐसी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है प्रशांत राघव, मेरा यूट्यूब चैनल प्रशांत राघव। तो दोस्तों इसी के साथ जय श्री राम, हनुमान चालीसा पसंद आई हो लाइक करें और कमेंट में भाई जय श्री राम जरूर लिखें। भाई दोस्तों भूले नहीं, जय श्री राम कमेंट, जय श्री राम।